हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं। इसमें से कुछ सिम्टम्स ऐसे भी हैं जो मुझे भी हो चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम होता है वो है मिस्ड पीरियड्स। मिस्ड पीरियड्स पहला ऐसा सिम्टम है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हम प्रेगनेंट हैं या नहीं, पर ये हमें कन्फर्मेशन नहीं देता है। पीरियड्स मिस होने के 4 से 5 दिनों के बाद हम प्रेगनेंसी किट टेस्ट ट्रैक करते हैं और उसमें हमें पता चलता है कि हाँ, हम प्रेगनेंट है या नहीं। अगर इसमें 2 डार्क पिंक कलर की लाइन बनी तो हाँ, हम प्रेगनेंट हैं, और अगर नहीं तो नहीं। तो ये तो रहा पहला सिम्टम। और जो दूसरा सिम्टम, ये जनरली कुछ औरतों को कंसीव होने के टाइम से ही फील होने लगता है, जैसे थकावट होना, फैटिक। फैटिक कॉमन सिम्टम है। इसमें हमें बहुत थकावट होती है, हमारा रेस्ट करने का मन होता है। इसके बाद रहा तीसरा सिम्टम, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगना, वॉशरूम की तरफ जाना। ये रहा तीसरा सिम्टम। ये जनरली तब होता है जब हम लोग कंसीव करते हैं और हमारे बॉडी में चेंजेस आने लगती है, तो इस यूट्रस में दबाव पड़ने के कारण भी हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। तो ये तो रहा तीसरा सिम्टम। और जो चौथा सिम्टम है, इसमें लेग क्रैम्प्स, बॉडी पेन होते हैं। ये जनरली फैटिक से ही रिलेटेड होते हैं। अगर थकावट हो रही है, किसी को थकावट होती है तो किसी को बॉडी पेन, पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। और जो पांचवा सिम्टम है वो है एब्डोमिनल क्रैम्प्स। एब्डोमिनल क्रैम्प्स क्या हुआ कि पेट के नीचे हमें पेन होता है। ये जनरली बहुत सिमिलर होता है पीरियड्स की पेन की तरह। ऐसा लगेगा कि हाँ, पीरियड्स आने वाला है, पर ये पीरियड्स नहीं होता। ये प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स जब हमारी बॉडी में चेंजेस आती है, जब हम कंसीव करते हैं। हम जो सिक्स सिम्टम है वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस। इसमें हमें फील होगा जैसे हमारे ब्रेस्ट के आसपास पेन हो रही हो। किसी के कलर चेंज होते हैं, जैसे काला होना, डार्क कलर हो जाता है, किसी को ब्रेस्ट में पेन होता है। तो ये तो रहा छठा सिम्टम। और दोस्तों, जो सातवां सिम्टम है, ये एक्चुअली कंसीव करने के टाइम पर ही होता है। जब हम कंसीव कर रहे होते हैं तब हमें एक स्पॉटिंग होती है, ये पिंक या ब्राउनिश कलर में होती है। ये थोड़ा डार्क स्पॉटिंग होता है। ये जनरली सभी को नहीं होता है, पर कुछ कुछ औरतों को ये होता है स्पॉटिंग की तरह। तो इसे में हमें घबराना नहीं है, एक्चुअली में ये पॉजिटिव न्यूज़ होता है। वो है अब जो सिम्टम्स हैं वो है टेस्ट चेंज। कुछ लोगों को इसमें बहुत मीठा पसंद होता है, तो कुछ को मीठा पसंद नहीं आता, कुछ स्पाइसी खाना चाहते हैं, या फिर जनरली हमें जो फूड हमेशा से पसंद होता है वो हमें उस टाइम पे काफ़ी कड़वा लगता है, हमें खाने का मन नहीं होता। तो जो आठवां सिम्टम है वो है नौजिया, वॉमिटिंग। और गाइज, जनरली मोस्ट ऑफ द वुमेन फील दिस प्रॉब्लम, लाइक जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग। नौजिया वॉमिटिंग मुझे बहुत होता था। मुझे वॉमिटिंग 8वें महीने तक हुई है। 5वें तक तो मैं बहुत परेशान रहती थी वॉमिटिंग और नौजिया से, पर 5th के बाद से मेरे सिम्टम्स बहुत सही हो गए। नौजिया इन द सेंस, आपको हर जगह स्मेलिंग की प्रॉब्लम आएगी, घर हो या रूम हो, वॉशरूम, पब्लिक प्लेस, एवरीवेयर यू विल फील नौजिया, लाइक आपको वो प्लेस अच्छी नहीं लग रही है। फिर कुछ औरतों को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि मुझे बहुत होता था वॉमिटिंग। तो इसके कारण भी हमें टेस्ट चेंज होता है। ये एक सिम्टम जो मैं बताने जा रही हूँ, ये जनरली सभी को होता है, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस जनरली 1 मंथ के बाद हमें फील होता है। कुछ को पहले ही फील होता है, तो कुछ को 1 मंथ के बाद होता है। मॉर्निंग सिकनेस में हमें बहुत बीमार जैसा फील होता है। सुबह उठने का मन नहीं करेगा, मन करेगा कि बस बेड पर ही सोए रहूँ, कुछ एक्टिविटी करने को मन नहीं होता, लेजी जैसा फील होता है। फिर बीमार जैसा फील होना, किसी चीज़ में मन ना लगना, तो ये सभी मॉर्निंग सिकनेस में होता है। कुछ औरतों को सुबह सुबह वॉमिटिंग भी हो जाती है, एसिडिटी इसके कारण होती है, तो ये भी एक सिम्टम्स हैं। और उसके बाद मूड स्विंग होना, इरिटेशन होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, जनरली जो नॉर्मल बातें हो रही है उस पर भी हमें इरिटेशन होती है। ये सभी हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने के कारण होता है। और इसके बाद ही एक और जो सिम्टम है वो है एसिडिटी, ब्लॉटिंग। एसिडिटी ब्लॉटिंग कॉमन है। ये जनरली मॉर्निंग सिकनेस होने के कारण या फिर हमारे बॉडी में चेंजेस होने के कारण पूरी तरह से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसके वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में होते हैं। ये सारे सिम्टम्स हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पर इसके बावजूद ये गुड न्यूज़ है। तो अगर आपको इनमें से कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये गुड न्यूज़ है। आप इसे पीरियड्स मिस होने के कुछ दिनों के बाद ही आप ये टेस्ट करें और उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। और किट में अगर डबल लाइन बनती है तो उसके बाद आप डॉक्टर को विजिट करें। डॉक्टर से हमें कन्फर्म करवाना होता है कि हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, और डॉक्टर से आप रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। सो दोस्तों, ये तो रहे कुछ सिम्टम्स। और इसमें से कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे थे जो मुझे होते थे। मुझे वॉमिटिंग, नौजिया, मॉर्निंग सिकनेस,
बहुत होता था, टेस्ट चेंज होता था। मुझे जो खाना पहले पसंद था वो मुझे प्रेगनेंसी में नहीं अच्छा लगता था। मुझे प्रेगनेंसी में 5th मंथ तक बहुत प्रॉब्लम हुई है। फिर 7th से मेरा टेस्ट में थोड़ा डेवलपमेंट होने लगा, मुझे खाने की इच्छा होने लगी। और इन सब के बावजूद मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से गई, मेरी डिलीवरी बहुत अच्छी हुई। 1.5 घंटे लेबर में रहने के बाद मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप मेरे से कैसी वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।